सो है व्हाट्सअप गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस तरह का ब्लैक कलर ग्रेडिंग आप कैसे कर सकते हो, वो भी अलाइट मोशन में, अलाइट मोशन में। सो गाइस, इस तरह के जो कि आपके जितने भी सोशल मीडिया पे और आपको बहुत सारे ट्रेंडिंग में दिखने को मिल जाते हैं गाइस, तो इस तरह का मैं बहुत सिंपल स्टेप से बताऊँ, तो चलते सीधा मोबाइल के स्क्रीन पर। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग अलाइट मोशन ओपन कर लेते हैं। तो ये रहा अलाइट मोशन, तो इसको ओपन करें, सिंपली इस प्लस पर टैप कर देना होगा एंड क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना होगा गाइस। तो अब है जो आपको यहाँ पे इस प्लस पर टैप कर देना होगा एंड मीडिया पे क्लिक कर देना होगा। अब है जो आपको यहाँ पे एक वीडियो सेलेक्ट कर लेना होगा, जो भी वीडियो आपका एडिट करना चाहते हो उस वीडियो को आप सेलेक्ट कर लेना है। सो गाइस, वीडियो को सेलेक्ट कर लेने के बाद अब है जो आपको गाइस इस प्लस पर टिक कर देना होगा एंड सेव पर जाना है गाइस। अब इसको थोड़ा एक यहाँ पर इस तरीके से कर लेना होगा एंड यहाँ पर कलर पर ऑप्शन पर चलना है और यहाँ पर ग्रीन कलर हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं गाइस। तो अब है जो गाइस आपको यहाँ पर दिखेगा ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे क्लिक कर देना होगा, तो इधर नीचे की ओर एंड डिफरेंस पे क्लिक कर देना होगा। सो अभी जो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देना होगा इस, तो यहाँ पे हो जाने के बाद अभी जो सिंपली आपको बैक चले आना होगा। सो गाइस, अभी जो आपको यहाँ पे इफेक्ट ऐड करना है तो सिंपली इस इफेक्ट पे चलते हैं और इस एड इफेक्ट पे क्लिक करते हैं। सो ऊपर में देखेगा सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अभी जो आपको गाइस कॉपी बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं कॉपी, तो यहाँ पे इस तरीके से COP लिख दीजिए, कॉपी विवरण आ जाइएगा। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक कर देते हैं गाइस। तो इस तरीके से हो जाने के बाद सिंपली इस यहाँ पे बैक चले आना होगा एंड यहाँ पे फिर से अब आपको यहाँ पे पूरा एड इफेक्ट हम लोग पहले एड इफेक्ट हम लोग पूरा लगा लेते हैं, कौन कौन इफेक्ट हम लोग पहले अप्लाई करने वाले हैं उसके बाद सेटिंग करेंगे। तो फिर सेकेंड इफेक्ट है जो गाइस, सेकेंड इफेक्ट ये रहा गॉसियन ब्लर। तो आपको गॉसियन ब्लर सेलेक्ट कर लेना होगा, GA आपको सर्च कर लेना। तो इस तरीके से आपको दिख चुका होगा एंड यहाँ पे स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक कर देना होगा, ये रहा दूसरा। और फिर से आपको एड इफेक्ट पे क्लिक कर देना होगा एंड सर्च पे जाना है। सो अभी जो गाइस आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्सपोजर एंड गामा पे क्लिक कर देना, EX सिंपली आपको यहाँ पे सर्च कर देना होगा। सो अभी जो यहाँ पे स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक कर देना होगा और सो एक लास्ट इफेक्ट है गाइस, तो यहाँ पे इफेक्ट पे चलते हैं सेचुरेशन। तो SA यहाँ पे लिखिएगा सेचुरेशन एंड एवरेज यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। सो आ चुका है स्टैंडर्ड सेटिंग। सो गाइस अब है जो आपको क्या करना है गाइस, तो आपको यहाँ पे गॉसियन ब्लर पे आना होगा गाइस। तो यहाँ पे आपको इस वाले आपको यहाँ पे 0.3 यहाँ पे इस जगह पे 0.300 आपको रख लेना होगा, 0.300 तो 0.300 ये ब्लर का काम करता है 0.300। सो गाइस इस तरीके से आपको कर लेने के बाद आपको फिर से आपको बैक चलना होगा। फिर आप जो गाइस आपको यहाँ पे एक्सपोजर एंड गामा पे चलते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा इसको हम लोग यहाँ पे माइनस पे ले जाते हैं गाइस। तो माइनस यहाँ पे थोड़ा इस तरीके से आपको एक्सपोजर में क्या है गाइस, एक्सपोजर आप जितना यहाँ पे डार्क कर सकते हैं, यहाँ पे डार्क का काम करता है, ये देख लीजिए थोड़ा इसको थोड़ा हम लोग इतना रखते हैं। सो गाइस यहाँ पे माइनस 30 रख दिए। सो अब भेज चुका है इस गामा में हम लोग, ये ब्राइट का काम करता है गाइस। तो ब्राइट में हम लोग 0 देखते हैं यहाँ पे कितना। सो हम लोग यहाँ पे करीब 0.700 हम लोग रख रहे गाइस, 0.700। तो यहाँ से हो जाने के बाद गाइस एंड आपको गाइस नीचे आना होगा एंड गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे 0.05 यहाँ पे रख लेना होगा गाइस। तो यहाँ पे थोड़ा अगर आपका थोड़ा एडजस्ट भी कर सकते कर लीजिएगा गाइस थोड़ा बहुत। तो हम लोग फिर से यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट करेंगे गाइस, तो ये रहा इतना हम लोग रख दे रहे गाइस। तो अभी यहाँ पे फिर से बैक चले ना इस जगह पे एक्सपोजर है गामा पे यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे टच कर देना होगा। सो अभी जो हम लोग यहाँ पे सेचुरेशन एंड वाइब्रेंस पे क्लिक करते हैं गाइस। तो अभी जो सो गाइस अभी जो हम लोग यहाँ पे अब यहाँ पे सिंपली अब यहाँ पे प्लस देखते हैं किस तरीके से। तो हम लोग यहाँ पे +20 पे हम लोग रख देते हैं गाइस, +20। अब है जो नीचे वाला को जैसे कि वैसे ही रहने देना है एंड यहाँ पे आपको फिर से बैक चले आना होगा गाइस। सो अब यहाँ हो चुका है गाइस, तो अब है जो आपको बैक चले आना होगा। बैक चले आने के बाद सो गाइस आपको पूरा बैक चले आना होगा। सो यहाँ हो जाने के बाद दिखाते हैं गाइस किस तरीके से होना। सो अभी जो गाइस आपको इस प्लस पे टिक कर देना होगा एंड यहाँ पे आपको इस सेप वाले पे क्लिक कर देते हैं गाइस। तो इसको थोड़ा हम लोग बड़ा कर लेते हैं
एंड आपको कलर पे दिखेगा गाइस, तो कलर पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे एक वाइट कलर आप सिलेक्ट कर लीजिएगा एंड यहाँ पे बैक चले आना होगा एंड आपको ब्लेंडिंग एंड ऑपेसिटी पे क्लिक कर देते हैं गाइस। सो अभी जो आपको यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट पे दिखेगा, तो कॉन्ट्रास्ट में आपको ओवरले पे क्लिक कर देते हैं गाइस। तो इस तरीके से बन चुका है गाइस एंड यहाँ पे बैक चले आते हैं। सो यहाँ पे बैक चला गए, तो यहाँ पे दिखाते हैं गाइस किस तरीके से बना है। तो इसको सिंपली अब इसको बड़ा करने के लेंथ बड़ा करने के लिए तो आपको इस वाले पे जिस वाले को बड़ा करना है उस वाले को टच कर देगा, इधर राइट की ओर आना होगा, इधर एकदम पूरा लास्ट पे एंड यहाँ पे ये वाले पे आपको सेलेक्ट कर देगा। इस तरीके से अप्लाई हो जाएगा। सो फिर से ये हो गया। अभी जो इसको भी हम लोग थोड़ा लेंथ बड़ा करें तो इस पर टच कर दीजिएगा, थोड़ा इधर राइट की ओर आना होगा लास्ट एंड इसको भी हम लोग टिक कर दिए। सो यहाँ तक हो चुका है। तो इस तरीके से बन चुका है गाइस। अब अभी जो बस सॉन्ग वगैरह ऐड करना चाहता होगा तो यहाँ तक हो जाने के बाद सो अब वीडियो यहीं तक रहेगा। सिंपली अब इसको हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं गाइस। तो अभी एक्सपोर्ट हो रहा है तो हम लोग वीडियो में एक्सपोर्ट करते हैं, सिंपली इस एक्सपोर्ट पर क्लिक करते हैं सर। सो गाइस यहाँ पे अब एक्सपोर्ट ले रहा है। सो गाइस वीडियो को अच्छा लगता है गाइस लाइक कर देना, अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर। बहुत बहुत धन्यवाद।